वर्किंग मैं आपको आपके हस्बैंड के बारे में बताने आई हूँ कि यही कि उनका और तुम्हारा अफेयर चल रहा है। लेकिन ये बात आपको कैसे पता चली? मुझे सब पता है, तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट से लेकर तुम्हारी सेलिब्रेशन की जगह तक। मार्किंग क्या हुआ राजू, बोलना क्या बात है? नहीं, छोटा मुंह और बड़ी बात, मुझे लगता है मालिक आपसे झूठ बोल रहे हैं। मैंने कई बार देखा है किसी लड़के के साथ वो फोन पे बात करते हैं। और जब आप पूछते हो कोई काम का फोन है, ऐसे बोल के टाल देते हैं। मैं सच बोल रहा हूँ। मेरे पास राजू पर शक करने की कोई वजह नहीं थी। उसके बाद वो फेक प्यार दिखाता था और मैं फेक भरोसा। फिर मैंने राजू को मेरे हस्बैंड के पीछे लगाया। और फिर एक दिन मेरे हस्बैंड का पीछा करते हुए वो उस रिजॉर्ट तक पहुंच गया। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको सब कुछ मालूम है और आप कुछ कर नहीं रहे हो? क्योंकि उसमें और मुझ में फर्क है। आई लव हिम, पर तुम मुझे ये सब बताने क्यों आई हो? क्योंकि वो मुझे भी धोखा दे रहा है और उसने मुझे भी फंसा रखा है। तो इसलिए तुम मुझे ये सब बताने आई हो? और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनकर उसे छोड़ दूंगी? पति है वो मेरा और मैं उसकी बीवी। तुम जा सकती हो। क्या हो मोना, आज अचानक तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी सही नहीं है। राहुल मेरा बॉस मेरे साथ बहुत गलत करता है। सैलरी देने के टाइम पर शादी ना करने के लिए फोर्स करता है। उसे बहुत घुटन होती है। मुझे दर-दर से निकलना है और मुझे बस तुम पे ही भरोसा है। उसकी इतनी हिम्मत, एक काम करते हैं, पुलिस के पास चलते हैं। कोई फायदा नहीं होगा, वो इतना बड़ा आदमी है कि पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वैसे मेरी इज्जत खराब होगी, मेरा नाम खराब होगा। तो फिर क्या चाहती हो तुम? मैं उसको जान से मारना चाहती हूँ, उससे बदला लेना चाहती हूँ। देखिए, आप फालतू बकवास कर रही हो तुम, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मुझे लगा था कि तुम मेरा साथ दोगे। कोई बात नहीं, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे ना, तो मेरे पास सिर्फ एक ही चारा बचता है कि मैं सुसाइड कर लूं। ये सुसाइड वगैरह की बातें मत करो और प्लीज रोना बंद करो। बताओ क्या करना है।
हेलो यो बेबी, आई एम नॉट कमिंग टू ऑफिस टुडे. व्हाई, यू एंग्री या व्हाट? नो, आई हैव सम वर्क एट होम. तो ठीक है, तुम्हारे काम में हेल्प करने के लिए मैं आ जाता हूँ. ओके, सी यू. सी यू. सुनो ना, आज शाम को जल्दी घर आ जाना. आशीष भाई के घर पार्टी में जाना है. ओके, तुम रेडी रहना, आते निकल जाएंगे. रह गए हैं ये, फोन भी बंद आ रहा है. लगता है आज भी लास्ट मोमेंट पे मीटिंग आ गई है. पर एक कॉल तो करना चाहिए था, एटलीस्ट एक मैसेज ही करना चाहिए था. मिसेस गुप्ता, आपकी आखिरी बार मिस्टर गुप्ता से कब बात हुई थी? सर, वो सुबह ऑफिस के लिए निकले थे तब बात हुई थी. एक दोस्त के घर पार्टी में जाना था, उन्होंने कहा कि वो शाम तक वापस आ जाएंगे, फिर साथ में चलेंगे. पर वो नहीं आए और अब उनका फोन भी नहीं लग रहा है. आपने उनके दोस्तों से, रिश्तेदार सबसे बात की? हाँ सर, पर वो कहीं नहीं है. सर, ये हमारा सर्वेंट है राजू, काफ़ी पुराना है. शादी से पहले वो मायके में था, शादी के बाद यहाँ आए. मिसेस गुप्ता, आपको किसी पर शक है? किसी से लड़ाई झगड़ा, दुश्मनी किसी से? नहीं सर, वो सिर्फ अपने काम में ध्यान देते थे. काम के अलावा उन्हें किसी और चीज़ के लिए टाइम ही नहीं था. ठीक है, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं और आपको कुछ पता चलता है हमें बताइए. चल. कल से सर का फोन बंद है, हम सब पूरा स्टाफ परेशान है और आज तो हमारी एक मीटिंग भी थी. सर ऐसे कभी गायब नहीं रहते बिना बताए. लास्ट टाइम आपने मिस्टर गुप्ता के बिहेवियर में कुछ चेंजेस देखा या किसी से कोई झगड़ा हुआ हो? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं था. हाँ, एक दिन हमारे पुराने क्लाइंट मिस्टर रंजीत, उससे उनकी कुछ कहा सुनी हो गई थी और उसने उनको धमकी भी दी थी. कविता, रंजीत बोलो. वो एक नॉर्मल आर्ग्यूमेंट थी सर, और हमारे बिजनेस में ये सब होता रहता है. लेकिन हाँ, गुप्ता था बुरा. उसने मुझे छोड़कर किसी और को माल सप्लाई करना शुरू कर दिया. मैं बस उसको सबक सिखाना चाहता हूँ, कहीं और से ज़्यादा माल खरीद कर. बाकी ऐसी कोई दुश्मनी वाली बात नहीं थी और ना ही किसी को कोई फिजिकल नुकसान पहुंचाने का इरादा. ठीक है, जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है तब तक शहर छोड़ के मत जा. पुलिस स्टेशन में फ़ोन करो, इस गुप्ता की कॉल डिटेल और लास्ट में कुछ लिखा, किस किस से बात हुई है, फ़ोन कहाँ कहाँ ट्रैवल हुआ है और फ़ोन बंद कहाँ. हाँ, आस पास के जितने फ़ोन एक्टिव थे सब कुछ सस्पेक्ट लिस्ट में. क्राइम वर्ल्ड सिर्फ शेमारू टीवी पर.